नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का वीडियो है ये 148 फतह करने के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। यहां से एक से दो प्रश्न पक्के पूछे जाएंगे। सभी गुफाओं को संबंधित जो है क्वेश्चंस हैं आप देखते होंगे, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सेतनवासल की गुफा। तो सेतनवासल की गुफा के बारे में जानेंगे, साथ में अन्य गुफाओं के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। सेतनवासल गुफा कहाँ स्थित है बड़ा? तो ये दक्षिण भारत का तमिलनाडु राज्य है, वहीं पे स्थित है। पदुकोट्टई जनपद है, मूल रूप से दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में, तो वहीं पे स्थित है पदुकोट्टई जनपद में। नदी पूछा जाता है किस नदी के किनारे स्थित है, अक्सर लोग कन्फ्यूज होते हैं। वहाँ पे कावेरी रहता है, कृष्णा रहता है। आप जानते हैं दक्षिण भारत में कावेरी नदी बहती है, कृष्णा नदी नहीं बहती। तो कावेरी नदी के किनारे स्थित है, ये डाटा आपको सदैव याद रखना है। तमिलनाडु प्रांत में स्थित है, ठीक है। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो दुर्विल साहब हैं, प्रोफेसर दुर्विल, मूल रूप से फ्रांसीसी हैं और फ्रांस के निवासी हैं, और उन्होंने ही सबसे पहले सेतनवासल गुफा को खोजा है। तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु राज्य में ये गुफा स्थित है, और ये कमल वन है। कमल वन यानी कुल तरफ कमल ही कमल। इस साइड में कमल आप देख रहे होंगे, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ देख रहे होंगे, हाथ में भी कमल, इस साइड में कमल, हर जगह कमल। तो ये कमल का वन है, ऐसा दृश्य दर्शाया गया है। कहाँ पर? सेतनवासल की गुफा में दर्शाया गया है। सेतनवासल की गुफा कहाँ है? तमिलनाडु प्रांत में है। तो कमल वन कहाँ है? मूल रूप से सेतनवासल की गुफा में है, याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। सेतनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो बेटा ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। बहुत विवादित है, क्योंकि बहुत बार इसका कृष्णा नदी आंसर माना गया है, आयोग ने माना है, लेकिन कृष्णा नदी आप जानते हैं दक्षिण भारत में नहीं बहती है, तमिलनाडु प्रांत में नहीं जाती है वो। तो जब वो तमिलनाडु प्रांत में ही नहीं बहती है, तो कृष्णा नदी कैसे राइट आंसर होगा? कावेरी नदी है। कावेरी नदी मूल रूप से सेतनवासल गुफा के पास से बहती है, तमिलनाडु प्रांत में बहती है। तो ये याद रखना है, कावेरी नदी के किनारे सेतनवासल स्थित है। आगे हम लोग बात करते हैं, तो डाटा पूछा जाता है कि सेतनवासल की गुफाएँ किस नदी के किनारे स्थित हैं? कावेरी हो जाएगा। सेतनवासल के भित्ति चित्रों यानी दीवारों पर जो चित्रण हुआ है, उसके खोजने का श्रेय किसके पास है? तो दुर्विल साहब के पास जाता है कि भित्ति चित्रण का काम दुर्विल साहब ने किया है। सेतनवासल की गुफाओं की खोज दुर्विल ने कब की थी? तो ये डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, डबल स्टार लगाइएगा। 1934 ईस्वी में दुर्विल साहब सेतनवासल की गुफा को खोज पाते हैं। कब खोजते हैं? 1934 में खोज पाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो सेतनवासल की गुफाओं का निर्माण कब और किसके समय में हुआ है? ये डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कब हुआ है और किसके समय में हुआ है ये आपको बताना है। तो मूल रूप से पांड्य राजाओं के समय में हुआ है। पांड्य राजाओं के समय में हुआ है, वो कब हुआ है? 700 से 900 ईसा के मध्य। 700 से 900 ईसा के मध्य मूल रूप से पांड्य राजाओं के समय में हुआ है। आगे बात करते हैं, तो सेतनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बड़ा क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, घुमा के पूछता है, अक्सर लोग नहीं बता पाते। सेतनवासल की जो गुफा है वो किस धर्म से संबंधित है? वो जैन धर्म से संबंध रखती है। जैन धर्म राइट आंसर बनता है। बहुत कन्फ्यूज करता है क्वेश्चंस ये, ठीक है। जैन, बौद्ध और वैष्णव कई देगा, इनमें से कोई नहीं देगा राइट आंसर। अक्सर लोग इसे मान लेते हैं कि सेतनवासल कमलवन बनाया गया है, हमें लग रहा है भगवान पशुपति से संबंधित हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ये जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट, कहा जाता है जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन काल का उदाहरण कौन सा है? तो बेटा जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला का जो उदाहरण माना जाता है, वो सबसे प्राचीन कला का उदाहरण सेतनवासल गुफा ही है, जो तमिलनाडु के पदुकोट्टई जनपद में स्थित है, कावेरी नदी के किनारे स्थित है। दुर्विल साहब खोजते हैं, 1934 में खोज होती है। 700-900 ईस्वी के मध्य बनी हुई है, पांड्य राजाओं के समय में। आगे बात करें, तो अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ से मिलता है? बेटा अर्धनारीश्वर का जो सबसे फेमस चित्र है वो कहाँ से मिलेगा? सेतनवासल की गुफा से ही मिलता है। सेतनवासल की गुफा से अर्धनारीश्वर का फेमस चित्र मिलता है। कमल वन पाया जाता है, ये सब डाटा वहीं से मिलता है। आगे क्वेश्चंस कहा गया है, सेतनवासल की गुफाओं के छत पे किसकी छवियाँ दिखाई देती हैं? तो ये याद रखना है कि छत पे दर्शाई गई हैं कौन सा? कमल सरोवर या फिर कमल वन। तो कमल सरोवर को कहाँ दर्शाया गया है? मूल रूप से सेतनवासल की छतों पे दर्शाया गया है। एक सरोवर में कमलवन का सुंदर आलेख्य प्राप्त होता है, कहाँ से? तो सरोवर में कमलवन का सुंदर आलेख्य कहाँ से मिलता है? वो मिलता है जो है सेतनवासल से। सेतनवासल से जो है कमलवन का सुंदर आलेख्य मिल जाता है। सुंदर वन मिलता है कहाँ पे? तो सेतनवासल की गुफा में मिलता है। सेतनवासल तमिलनाडु राज्य के पदुकोट्टई जनपद में पाया जाता है, कावेरी नदी के किनारे स्थित है। इतना आपको सदैव याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सिगरिया गुफा के बारे में जानेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है, जो पूछा जाता है उसे देख लेते हैं। सिगरिया गुफा वर्तमान समय में आप जानते होंगे
बहुत ज़्यादा विवादित क्वेश्चन रहा है, इस टाइम बहुत ज़्यादा विवाद में है। करंट अफेयर्स बढ़ाने के लिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है स्टेट माना जाता है। श्रीलंका, आप जानते होंगे श्रीलंका में इस टाइम महंगाई चरम पे है, सरकार भ्रष्ट हो चुकी है, भाग चुकी है, महंगाई चरम पे हो चुकी है। जैसा हाल पाकिस्तान का है वैसा ही हाल श्रीलंका का भी है, और मूल रूप से भारत भी इससे अछूता नहीं है। आप जानते होंगे महंगाई यहाँ भी लगभग अपने चरम पे ही चल रही है, अगर सरकार कंट्रोल नहीं करती है तो वो दिन दूर नहीं जैसा श्रीलंका का हाल हुआ है या जैसा पाकिस्तान का हाल हुआ है। तो ये कहने भर का मात्र नहीं है, सरकार को अच्छी अच्छी नीतियाँ बनानी पड़ेंगी तब जाके महंगाई कंट्रोल में आएगी। 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में बिक रही है, आप जानते हैं बेरोज़गारी कहाँ पे है, महंगाई कहाँ पे है। महंगाई अगर कंट्रोल कर ले जाए तो इसी अच्छी गवर्नमेंट कोई है ही नहीं, मैं ये मानता हूँ। अगर महंगाई और बेरोज़गारी ये कंट्रोल कर ले जाए तो इससे अच्छी गवर्नमेंट कोई है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता है और काम अच्छे होते हैं, विदेश नीति इनकी बहुत अच्छी है। बाकी बस महंगाई और बेरोज़गारी ये कंट्रोल कर ले जाए तो हमें अच्छी गवर्नमेंट लग रही है। सिगरिया की गुफा के बारे में जानते हैं बेटा, सिगरिया गुफा कहाँ स्थित है, तो श्रीलंका के मटाले ज़िले में स्थित है। श्रीलंका बहुत बार पूछा गया सिगरिया कहाँ पर है, श्रीलंका में है, मटाला ज़िला है, याद रखना है। सिगरिया में कितनी गुफाएँ पाई जाती हैं, 6 गुफाएँ पाई जाती हैं। सिगरिया में कितनी गुफाएँ पाई जाती हैं, 6 गुफाएँ पाई जाती हैं। अच्छा, कमलवन कहाँ पाया जाता है, सेतनवासल में पाया जाता है, आप जानते ही हैं। तो सिगरिया में कितनी गुफाएँ हैं, 6। कलीन महिला पुष्प लिए हुए एक जो है दर्शाई गई है वो सिगरिया में ही दर्शाई गई है, यही डाटा है, देख लीजिए। ये जो है कुलीन महिला है, महिला आप दर्शाया गया है, देख ही सकते हैं कैसा दर्शाया गया है, एक पुष्प लिए हुए है, इसी के नाम पे ये चित्रण फेमस हो गया है। तो कुलीन महिला पुष्प लिए हुए कहाँ दर्शाई गई है, सिगरिया गुफा, यानी कि कुल मिला के श्रीलंका में दर्शाई गई है। नेक्स्ट कहा जाता है सिगरिया में किस गुफा का रंग नहीं है, किस गुफा का रंग प्रयोग नहीं किया गया है, यानी सिगरिया में किस रंग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो नीला रंग वहाँ दिखता ही नहीं है कहीं पर भी, श्रीलंका में जो है सिगरिया गुफा में नीला रंग नहीं दिखाई देता है। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्र से मिलते जुलते हैं, तो सिगरिया के जो चित्रण हैं ज़्यादातर अजंता से मिलते जुलते हैं। अजंता होशंगाबाद वाला क्षेत्र होता है, आप जानते हैं अजंता महाराष्ट्र और जो है औरंगाबाद वाला क्षेत्र होता है। 30 गुफाएँ पाई जाती हैं, इलोरा में 34 पाई जाती हैं, अजंता में 30 गुफाएँ पाई जाती हैं, और 30 में से कुछ किस में चित्र मिलते हैं, तो आप जानते हैं वो 6 गुफाएँ हैं। कौन सी, 1, 2, 9, 10, 16, 17, 1, 2, 9, 10, 16, 17 में चित्रण का काम होता है, चित्रण पाए जाते हैं। सिगरिया के चित्र बने हैं किस पे बने हैं बेटिया, गीली दीवारों पे बने हुए हैं, ये याद रखना है। सिगरिया की गुफा पे जो चित्रण है वो गीली दीवारों पे हैं, और मूल रूप से सिगरिया की खोज किसने और कब की है, तो ब्रिटिश फौज अधिकारी जाता है, मेजर फॉर्मस साहब इसे देखते हैं और 1830 में खोज देते हैं। तो ब्रिटिश फौज के अधिकारी हैं मेजर फॉर्मस, और ये 1830 में मूल रूप से सिगरिया को खोजने का श्रेय अपने साथ लिए हुए हैं। आगे बात करते हैं, तो कहा जाता है सिगरिया चित्रों की प्रतिलिपियाँ सर्वप्रथम कब और किसने बनाई हैं, तो सिगरिया की प्रतिलिपियाँ सबसे पहले ए मुरे साहब ने बनाई हैं। कब बनाई हैं, 1889 यानी 1889 ईस्वी में बनाई गई है। किसने, ए मुरे ने बनाया है। किसकी गुफा, सिगरिया गुफा। सिगरिया गुफा कहाँ पे है, श्रीलंका में। कुल कितनी गुफाएं हैं सिगरिया में, 6 गुफाएं। तो इतना डाटा आपको सदैव कंठस्थ करते हुए आगे बढ़ना है, याद करते हुए आगे चलना है। सिगरिया की गुफाएं निर्मित हैं तो कश्यप प्रथम के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में मूल रूप से सिगरिया की गुफाएं बनी हुई हैं, यानी 5वीं शताब्दी में बनाई गई हैं। किसके समय में, कश्यप प्रथम के समय में बनी हुई मानी जाती। सिगरिया में कुल जो है, सिगरिया में चित्र कुल कितनी गुफाओं में पाए जाते हैं, 6 गुफाएं टोटल पाई जाती हैं, जिसमें 2 ही गुफाएं ऐसी हैं जहाँ पे चित्रण का काम होता है, जहाँ चित्र पाई जाते हैं, जैसे कुलीन महिला पुष्प लिए हुए है, या फिर आप जानते होंगे सिगरिया नीली दीवार पे बनाई गई है, ठीक है। तो ये 2 ही गुफा में डाटा मिलता है, गुफा संख्या ए है और गुफा संख्या बी है। तो गुफा संख्या ए और गुफा संख्या बी में ही केवल चित्रण मिलता है, बाकी 4 गुफाएं खाली जा रही हैं, वहाँ पर कुछ भी चित्रित नहीं है, या खोजा ही नहीं गया, दर्शाया ही नहीं गया है, वहाँ पर कुछ भी चित्रित नहीं है, ठीक है। सिगरिया में कुल कितनी रूपायणी स्त्रियों का चित्रण हुआ है, कितनी रूपायणी स्त्रियों का चित्रण हुआ है बेटा, 21। ये डाटा पूछा गया है, स्टार लगाइएगा, 21 हुआ है, 4 गुफा संख्या ए में और 17 गुफा संख्या बी में है। 17 × 4 = 21 होता है, 4 गुफा संख्या ए में पाई जाती हैं और 17 जो है गुफा संख्या बी में पाई जाती हैं। इस टाइप से 4 यहाँ पे 17 यहाँ पे कुल मिला के 21 का डाटा कंप्लीट करता है। तो 21 पाई जाती हैं कुल मिला के रूपायणी स्त्री, और रूपायणी स्त्री कहाँ पाई जाती हैं, सिगरिया गुफा में पाई जाती हैं। रूपायणी स्त्री कितनी हैं, 21 हैं, ये डाटा आपको याद रखना है। आगे कहा जाता है किस गुफा से प्राप्त आकृतियाँ सौंदर्य से परिपूर्ण किंतु
आलस्यमयी तंद्रता के विचरण करती हुई अंकित की गई हैं। कुल मिला के सौंदर्य तो बहुत अच्छा है लेकिन आलस्यमयी है, ऐसा चित्रण कहाँ पे हुआ है? तो श्रीलंका सेगरिया वाली गुफा में हुआ है, श्रीलंका सेगरिया वाली गुफा में हुआ है। अच्छा, मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? तो सेगरिया में ही मिलता है मेघ कन्याओं का अंकन। आप ध्यान रखना है, द्वितीय गुफा में चित्र मिलता है ए और बी में मूल रूप से चित्रण होता है। 6 गुफा टोटल पाई जाती हैं। सेगरिया कहाँ पर है? मूल रूप से श्रीलंका में है। ठीक है, खोज किसने की है? तो आप जानते हैं मेजर फॉर्मस ने की है। कब की है? 1830 में की है। तो आपको बार बार डाटा रिकॉल करते रहना है क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। सेगरिया की प्रतिलिपियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? सेगरिया की जो प्रतिलिपियां हैं वो वर्तमान में कहाँ पे सुरक्षित हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। बहुत अच्छी बात है, कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका में मूल रूप से रखा हुआ है। सेगरिया की गुफाओं की प्रतिलिपियां कहाँ पे रखा हुआ है? कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब एलोरा की बात कर लेते हैं। बड़ा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आप जानते हैं दक्षिण भारत में महाराष्ट्र प्रांत है, जहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, कौन शिंदे आगे बनेगा या फिर जो है असली दावेदारी की बात चल रही है, एकनाथ शिंदे आएंगे या फिर उद्धव ठाकरे आएंगे, पता नहीं किसमें योग्यता है किसमें योग्यता नहीं है, ये तो कानूनी दांव पेच हो गया, अब राजनीति नहीं हो रही है, वहाँ पे कानून की लड़ाई चल रही है इस टाइम। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मूल रूप से एलोरा पाई जाती है, यहाँ पे 34 गुफाएं होती हैं, ये याद रखना है। वेरूल नाम से भी इस गुफा को संबोधित किया जाता है। तो वेरूल नाम से कौन सी गुफा जानी जाती है? एलोरा ही जानी जाती है। एलोरा का एक फेमस दृश्य है कैलाश मंदिर, आप जानते हैं एलोरा की जान है, एलोरा की जान है। ये पूरा चित्रण बहुत अच्छे से देख लीजिए, एलोरा की जान है, कैलाश मंदिर है, गुफा संख्या 16 में स्थित है। बहुत फेमस डाटा है, बहुत ही फेमस डाटा है। ठीक है, कृष्ण प्रथम इसे बनवाते हैं 756 से 773 ईस्वी के मध्य मूल रूप से ये गुफाएं बनती हैं। एलोरा में 3 टाइप की गुफाएं भी पाई जाती हैं, आप ये तो जानते होंगे क्योंकि 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से हैं और 13 से 29 तक हिंदू धर्म से हैं, और हिंदू धर्म में ही कैलाश मंदिर आ जाता है, और 30 से 34 तक जैन धर्म की गुफाएं पाई जाती हैं। तो ये है कैलाश मंदिर, बेटा एलोरा की जान है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैलाश मंदिर है, एलोरा में पाई जाती हैं 34 गुफाओं में, 16वें नंबर गुफा पे स्थित है। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया है? तो एलोरा गुफा कला को राष्ट्रकूटों ने विकसित किया है, 16वीं जो है गुफा है। नेक्स्ट, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बेटा जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया है। कब करवाया है? तो 756 से 773 ईस्वी के मध्य करवाया है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं बेटा? 34 गुफाएं हैं, 34, और 34 में से कौन कौन सी धर्म से हैं? तो 1 से 12 तक जो है बौद्ध धर्म है, 13 से 29 तक हिंदू धर्म है, और 30 से 34 तक जो है गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंध रखती हैं, यानी बौद्ध जैन और हिंदू तीनों हैं यहाँ पे, बौद्ध हिंदू और जैन धर्म की गुफाएं यहाँ पे पाई जाती हैं, 3400 में विभाजित भी हैं। नेक्स्ट, एलोरा की गुफा संख्या 16 को कहा जाता है कैलाश मंदिर कहा जाता है। बेटा एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कैलाश मंदिर ही है, और कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा की छवियाँ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित हैं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी मूल रूप से कैलाश मंदिर में पाए जाते हैं, तो विष्णु और लक्ष्मी जी का प्रतिमा पाई जाती हैं यहाँ पे कैलाश मंदिर, इसीलिए फेमस है। याद रखना है क्या पाया जाता है अंदर गुफा में? तो कैलाश मंदिर मूल रूप से विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित है, नाम है कैलाश मंदिर। ठीक है, गुफा संख्या 16 में स्थित। आगे, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? बहुत बार पूछा गया, 32 नंबर की जो गुफा है वो किस नाम से जानी जाती है? इंद्रसभा नाम से जानी जाती है। 32 नंबर की गुफा किस धर्म से संबंधित आएगी? तो ये जैन धर्म से संबंधित आएगी, वहाँ पे इंद्रसभा को जो है चित्रित किया गया है। त्रिपुरांतक मूर्ति, स्टार लगाइए बड़ा, डबल स्टार लगाइए। त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ निर्मित है? कैलाश मंदिर एलोरा में ही त्रिपुरांतक मूर्ति निर्मित है। त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ पे है? एलोरा कैलाश मंदिर में ही निर्मित है। आगे हम लोग बात करते हैं डाटा एलिफेंटा गुफा के बारे में जान लेते हैं। एलिफेंटा भी महाराष्ट्र वाले बेल्ट में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो बेटा महाराष्ट्र के मुंबई में ही गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर अरब सागर की एलिफेंटा द्वीप में स्थित है। अरब सागर के एलिफेंटा द्वीप में स्थित है। किस सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। याद रखना है कितने दूर पे? 10 किलोमीटर पे। किससे? गेटवे ऑफ इंडिया से। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो इतना डाटा तो आपको सदैव याद रखना है कि एलिफेंटा गुफा भी महाराष्ट्र मुंबई में ही स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर अरब सागर में जो एलिफेंटा द्वीप पे स्थित है। एक ये मूर्ति बहुत फेमस है बेटा, त्रिमूर्ति आप देखते होंगे, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, 3 सिरों वाली एक मूर्ति है, इसे त्रिमूर्ति कहा गया है। ये 20 फीट की है मूल रूप से, और 20 फीट डाटा भी कई बार पूछा गया है। 20 फीट कहो या फिर 6.1 मीटर कहो, 6.1 मीटर कहो या फिर 20 फीट कहो, इसकी जो है ऊंचाई है, और ऊंचाई में प्रतिमा बनी हुई है। त्रिमूर्ति बहुत फेमस है, याद रखना है, त्रिमूर्ति बहुत ही फेमस है एलिफेंटा गुफा। आइए देखते हैं आगे और का डाटा पूछा जा सकता है। एलिफेंटा गुफा किससे घिरी हुई है बेटा? तो ये समुद्र से घिरी हुई है। एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या था? धारापुरी था। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 7।
एलिफेंटम कुल कितनी गुफाएं हैं? 7। सिकरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? 6। सिकरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? 6। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 30। एलोरा में 34। अजंता में 30। ये डाटा याद रखना, गुफाओं की संख्या पर बहुत बार क्वेश्चन बना है। एलिफेंटा में कितनी गुफाएं हैं? 7। नेक्स्ट, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कब हुआ है? तो 8वीं शताब्दी में हुआ है। राष्ट्रकूटों के सामंत सलाहकारों के द्वारा एलिफेंटा गुफा का निर्माण करवाया गया। एलिफेंटा कहाँ पे स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में, गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर जो है अरब सागर में स्थित है। आगे, एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है? बेटा, एलिफेंटा की प्रसिद्धि का कारण है त्रिमूर्ति। एलिफेंटा में कितनी गुफाएँ हैं? 7। त्रिमूर्ति की हाइट कितनी है? 20 फीट है, या फिर मीटर में अगर कहें तो 6.1 मीटर है। डाटा याद रखना है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। विख्यात महेश मूर्ति राकट कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 बार पूछा गया। महेश मूर्ति राकट कहाँ स्थित है? बेटा, एलिफेंटा में स्थित है। एलिफेंटा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थरों पर हाथी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ पे सुरक्षित है? हाथी की मूर्ति कहाँ पे है? वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान जू, ये कहाँ पे है? मुंबई में। बेटा, अब इसका नाम क्या हो गया है? विक्टोरिया गार्डन पहले हुआ करता था, अब इसे वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान जू कहा जाता है। मूल रूप से मुंबई में स्थित है, वहीं पे एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थरों पे हाथी की मूर्ति बनाई गई। आगे कहते हैं, तो ये क्वेश्चंस ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। कल्याण सुंदरम मूर्ति जिसे शिव और पार्वती को दाम्पत्य रूप में दर्शाया गया है, कहाँ स्थित है? तो बड़ा कल्याण सुंदरम जो मूर्ति है उसे एलिफेंटा गुफा यानी मुंबई में ही दर्शाया गया है। आप ये जानिएगा कि कल्याण सुंदरम मूर्ति एलिफेंटा में है। बस, त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ पर है? कैलाश मंदिर में। कल्याण सुंदरम मूर्ति कहाँ पर है? एलिफेंटा में। और आप जानते होंगे कैलाश मंदिर में किसकी छवियाँ पाई जाती हैं? तो विष्णु और लक्ष्मी जी की, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की मूर्तियां पाई जाती हैं, उनकी छवियां पाई जाती हैं। उम्मीद करता हूं आपको यहां से कुछ सीखने को मिला होगा, आपका कुछ रिवीजन हुआ होगा। यहां से एकदम पक्का है कि 1 से 2 प्रश्न पक्का छपेगा ही छपेगा, इसे याद रखिएगा, पूरा डाटा कंठस्थ कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।